वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में अनम। और आज हम लोग आए हैं बीड़ी कामगार चौक नासिक, जहां पर हमने एक लिविंग रूम, बेडरूम, प्रॉपर तरीके से एक बेडरूम और घर में और भी बहुत छोटे छोटे फर्नीचर वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। तो इससे पहले की वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले। इस प्रोजेक्ट के एंड में, जैसे वीडियो एंड हो जाएगा, इस एग्जैक्ट पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना गया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अगर आप भी अपने घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको काफी अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि कितने बजट तक जाना चाहिए। और आपको पता है हर अमाउंट में मिस बैलेंस आता ही है, बिकॉज ये सब कुछ आपके मटेरियल पर डिपेंड करता है, आपके साइजेस पर डिपेंड करता है और आपके एग्जैक्ट चॉइसेस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको और कुछ क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल करके सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीजों का आप लाइव देखना भी चाहते हैं तो आप हमारे एसी सेंटर विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे दिए गए नंबर पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए टूर करते हैं फाइनली इस प्रोजेक्ट के ऊपर। एग्जैक्ट मैं हूँ लिविंग रूम में, जहाँ पे पैरेलल सिटिंग एरिया है, एग्जैक्ट यूनिट यहाँ पर है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे जितने भी फ्लैट्स होते हैं, बंगलोज होते हैं, कुछ लिविंग का सेटअप कुछ इस तरह से होता है कि ना ही हमें क्लियर इमेजिनेशन होता है हमारे टीवी यूनिट के लिए, ना ही सिटिंग के लिए। बट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एग्जैक्ट ये हमारा एंट्रेंस वाला पॉइंट है। यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट की गई है, यहाँ पे एक पिलर था, पिलर की लगभग मैं अगर हाइट साइज बता दूँ तो 13 से 12 इंच का वो पिलर था, जिसको हमने क्रिएट करके एक नीज ओपन कर दिया। नीज में आप सारे आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं और वो काफ़ी यूनिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उस स्पेस का आप किसी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, तो कुछ आर्टिफैक्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए ये वाला कॉम्बो क्रिएट कर दिया। फ्रेम को एग्जैक्ट फ्रेम में कवर कर दिया, देन ये वाला पूरा टीवीनेट वाला एरिया हो गया। लैमिनेट में बता दूं, मोस्टली अब तक के जितने भी प्रोजेक्ट रनिंग चल रहे हैं या हो चुके हैं इसी ईयर में कंप्लीट, वो ऑब्वियसली हमारे इसी पे सारे डेमोज लगाए हैं, जहाँ पर लाइव सारे टीवीनेट्स के और बेड के बहुत सारी चीज़ों के सैम्पल्स हैं। तो ये काफ़ी लोगों का स्पेशल लैमिनेट रहा है, क्योंकि ये ही लैमिनेट सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसको हार्डवेयर की चॉइस और बहुत सारे जो कलर कॉम्बिनेशन के लिए हम चॉइसेस करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है। और ये काफ़ी यूनिक है, इसको बार बार देखने के बाद आपको बोरिंग नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट टाइम ये फ्रेश रहता है और हाई ग्लोसी है, तो आपका क्लीनिंग का पर्पज़ भी क्लियर हो जाता है कि अगर कितने भी ज़्यादा ये गंदा हो जाए, एक नॉर्मली गीले कपड़े से भी आप इसको नॉर्मली क्लीन करो तो काफ़ी इजीली क्लीन हो जाता है, ऑलमोस्ट फ्रेश दिखता है। तो ये हमारा कुछ स्टेप टाइप्स में ये डिज़ाइन था। यहाँ पे ओपन बॉक्स कर दिया था, ताकि जो भी आपके डीजे वीजे है वो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टीवी अभी तक हमारे क्लाइंट न्यू टीवी लेने वाले, तो फिलहाल जो ओल्ड टीवी था वो यहाँ पे कुछ स्टैंड की तरह रख दिया गया है, उस हिसाब से टीवी पैनल क्रिएट किया था। उस कॉर्नर में भी नीजेस दे दिए, ताकि जितने भी आर्टिफैक्ट्स है, ट्रॉफी है, ऑब्वियसली ऊपर देख ही सकते हैं हमारे क्लाइंट के बहुत ज़्यादा अच्छे अचीवमेंट्स है, जिसकी काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ है, तो मुझे लगता है जगह कम पड़ती है और सेकेंड टीवी नेट का प्लान करते हैं उस हिसाब से। तो ये पूरा उस हिसाब से प्लान किया गया है। ऊपर भी दो टाइप के शेल्फ दिए थे, ताकि ऊपर और नीचे के स्पेस पर आप जितना चाहे उतने आर्टिफैक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। जो सोफ़ा है वो एक्चुअल में स्टोरेज वाला है, ताकि आपके जितने भी स्टोरेज है वो काफ़ी इजीली आप इसमें डाल सकते हैं। और ड्रावर इस तरह से कि पूरा मूवेबल है, आप बैकग्राउंड का पूरा एरिया अच्छे से क्लीन करके रिटर्न ड्रावर को अंदर पुट भी कर सकते हैं। कई ज़्यादा लोग जस्ट फिक्स सोफ़ा सेट रेडी कर देते हैं और बाद में जब ईयरली या 2-3 ईयर के बाद जब वहाँ से उसे हटाया जाता है तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, गंदगी होती है, और जिससे घर में कॉकरोच भी होने लग जाते हैं। तो ये वाला क्लियर बहुत है कि अगर आप नीचे ड्रावर पुट कर रहे हो तो ड्रावर सारे व्हील्स पे दे दीजिए, ताकि आप मूव कर सको तो बैक साइड का एरिया आप इजीली क्लीन कर सको। हैंडल्स को सबको राउंड शेप दे दिए, काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और दिखने में बहुत अच्छे रहते हैं। ऑब्वियसली घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उस पर खेलते हैं, बैठते हैं, तो उनकी कम्फर्ट के हिसाब से भी ये काफ़ी चीज़ हमने ध्यान में रखी है। और जो भी सोफे के ऊपर गादी है वो सारी मूवेबल है, कि आप इसको निकाल के, इसका कवर भी डायरेक्ट जिप की तरह है, जैसे हर पिलो के जिप के कवर है, उस हिसाब से आप निकाल के इजीली वॉश करके, ड्राई करके रिटर्न इसको लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ ये हमारा लिविंग का टूर हो गया। बेडरूम के टूर में देखेंगे तो पहले हमारा चिल्ड्रन बेडरूम आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा कलरफुल रखा है हमने। एक साइड टेबल है, उसके बाजू में एक बेड है और बेड के बाजू में एग्जैक्ट हमने पूरा ड्रेसिंग रेडी कर दिया है। और ये तीनों प्रोडक्ट के सामने ही आप देखोगे तो एक प्रॉपर तरीके से हमारा वार्डरोब है, और वार्डरोब के ऊपर ही एक लॉफ्ट क्रिएट हो गया है। एक बेडरूम में इतना सफिशियंट होता है फर्नीचर, बट अगर आपकी बेडरूम की साइज़ ज़्यादा बड़ी है तो आप इसी फर्नीचर की बड़ी साइज़ कीजिए, अदरवाइज़ अगर साइज़ कम है और आपकी नीड कुछ अलग है तो आप उसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं।
मोस्टली जो कलर पैलेट आप देख रहे हैं, जैसे भी हमारा चिल्ड्रन रूम होता है, चाहे वो बॉय हो गर्ल हो, रूम को हमेशा कलरफुल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कलरफुल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं और इससे रूम में एवरी टाइम फ्रेशनेस लगती है। तो मोस्टली हम वुडन लेंगे, तो वुडन एक प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग लिविंग रूम में ओके है, बट जब हम बेडरूम वगैरह की चॉइस करते हैं तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन रूम को हमें थोड़ा कलरफुल में क्रिएट करना चाहिए, ताकि बच्चों की एक्टिविटी भी उस हिसाब से होती है। इसी के साथ चिल्ड्रन रूम के बाद हम अगर किचन में आ जाते हैं, तो किचन में एक मंदिर है, मंदिर का ऑब्वियसली एक पैसेज ऑलरेडी बना हुआ था जहाँ पे मंदिर क्रिएट किया गया है। किचन में ऑलरेडी एक पैसेज था, उस पैसेज में ही उनका ओल्ड शटर्स लगाए हुए बच्चों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, अंदर जाके वो सारे भगवान वगैरह की चीज़ों को छेड़ देते हैं, तो इसलिए ये शटर काफ़ी अच्छी तरीके से बना। उसी के अंदर हमने एक नीचे के एरिया में प्रॉपर तरीके से एक टेबल टाइप में पूरा सेटअप रेडी किया और बैक साइड पर पूरा ओम का डिज़ाइन क्रिएट किया, ताकि इस तरह का भी अगर आप प्रॉपर तरीके से पूरा मंदिर ना बनाओ और इस तरह का भी सेटअप बना लो तो काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छा और यूनिक डिज़ाइन बन जाता है। सेकेंड वाले बेडरूम में हमने स्टडी टेबल और लॉफ्ट ऑर्गेनाइज किया है, जिसके वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ स्टडी टेबल के अकॉर्डिंग भी वहाँ पर हमें जस्ट 5 इंच का पिलर फेस हुआ था, जिसको होममेड की प्रोसीजर में ही कवर कर दिया गया है। अगर यही स्टेप में अगर आप मॉड्यूलर के साथ जाते थे तो ऑब्वियसली वॉल से आपको 5 इंच का गैप छोड़कर ही फर्नीचर को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, बट ये प्रोसीजर आपको सिर्फ होममेड में ही पॉसिबल है। तो मोस्टली अगर मैं इस पूरे घर का फर्नीचर बताऊँ तो बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर, लाइक जैसे टीवी यूनिट की बात करूँगी मैं, स्टडी टेबल, और ये सारी चीज़ों को हमने होममेड प्रोसीजर में किया है, और बाकी का जितना भी फर्नीचर है वो सब कुछ मॉड्यूलर है, क्योंकि कुछ ऐसे फर्नीचर होममेड में किए जाते हैं, लाइक अगर कुछ पिलर फेस हो रहा है, कहीं पे बैलेंस मिस आउट में है, कहीं पे हमारा सीलिंग अप डाउन रहता है, ऑब्वियसली वो हैंडवर्क है तो कई बार सीलिंग भी अप डाउन जाती है, जिसकी वजह से फर्नीचर क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। जहाँ पे मॉड्यूलर अगर करने जाओगे तो ऑब्वियसली आपको कई ज़्यादा गैप को फेस करना पड़ेगा, तो उस प्रोसीजर में होममेड का डिसीजन लिया जाता है। तो फाइनली अब आप सोच रहे हो कि इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना गया होगा। अगर मैं बता दूँ, एक पर्टिकुलर प्रॉपर पूरा एक बेडरूम है, एक प्रॉपर पूरा लिविंग है और बाकी घर में थोड़े थोड़े फर्नीचर क्रिएट किए गए हैं, तो कॉस्ट अगर जोड़ी जाए तो ये पूरा प्रोजेक्ट 6,40,000 में कम्प्लीट हुआ है। अभी मैंने आपको वो भी कहा कि ये कस्टमाइजेशन चीज़ है, आप किस तरह का मटेरियल चॉइस कर रहे हो, कितनी साइजेस ले रहे हो और किस तरह के कलर पैलेट का मटेरियल चॉइस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके चॉइसेस पे। तो अगर आप अपने घर का बजट प्लान कर रहे हो तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, जस्ट 3D प्लान कीजिए, क्योंकि 3D में एक्चुअल में आपके बेडरूम में कितना फर्नीचर की आपको नीड है, उसका कलर पैलेट क्या होना चाहिए, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, ये सिर्फ आप 399 रुपीज़ में जज कर सकते हो। ताकि अगर आपको कोई कह रहा है कि आपके बजट, आपके बेडरूम का आपको जाएगा 3-4 लाख, तो एक्चुअल में 3-4 लाख में आ क्या रहा है, उससे बेटर रहेगा कि आप जस्ट 399 रुपीज़ में एक 3D बुक कीजिए, जिसमें ये सारी चीज़ों का आपको इमेजिनेशन क्लियर हो जाएगा, साइजेस क्लियर हो जाएगी, डिज़ाइन क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करती है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।